और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आज 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने पिछले रविवार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। आपको बता दें, सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उन्हें आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। सीबीआई ने अदालत को यह भी कहा था कि उन्हें बाकी आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है। फिलहाल आज सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और सीबीआई सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 5 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म होने वाली है और सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पिछले रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। दिन भर पूछताछ के बाद शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन के रिमांड की मांग की गई थी। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उन्हें आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है और सीबीआई ने अदालत को यह भी कहा था कि वो तमाम आरोपियों को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जानी करनी है ताकि जो तमाम बातें कही गई हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।